एनआईए ने बिहार के दरभंगा ब्लास्ट के मुख्य साजिशकर्ता को गिरफ्तार करने का दावा किया है। हाजी सलीम नाम के संदिग्ध को उत्तर प्रदेश के शामली से पकड़ा गया है। शामली से ही कफील नाम के शख्स की भी गिरफ्तारी हुई है। और उधर इसी सिलसिले में हैदराबाद से गिरफ्तार दोनों आरोपी 7 दिन तक एनआईए कस्टडी में भेजे गए हैं। इन गिरफ्तारियों के साथ ही दरभंगा ब्लास्ट का पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आया है। सत्रह जून के दरभंगा ब्लास्ट की परतें जैसे जैसे खुल रही हैं, पाकिस्तान के आतंक के नए गेम प्लान की बखिया उधड़ रही है। उत्तर प्रदेश के शामली से एनआईए ने मोहम्मद सलीम उर्फ हाजी सलीम और काफिल उर्फ कफील को गिरफ्तार कर लिया है। एनआईए के पास दरभंगा ब्लास्ट में उनकी प्लानिंग का पूरा सूत्र लग चुका है। प्रारंभिक जाँच में खुलासा हुआ है कि सलीम और कफील ही दरभंगा ब्लास्ट के मुख्य साजिशकर्ता हैं। सलीम और कफील नहीं, हैदराबाद से गिरफ्तार इमरान और नासिर के जरिए सिकंदराबाद दरभंगा एक्सप्रेस में चलती ट्रेन में विस्फोट कराने का मंसूबा पाला। दरभंगा रेलवे स्टेशन के पार्सल पर ही धमाका हो जाने की वजह से प्लानिंग अंजाम तक नहीं पहुंच सकी, लेकिन मिली जानकारी के मुताबिक सलीम के घर पर फरवरी 2021 में मीटिंग हुई और चलती ट्रेन में आईडी ब्लास्ट की योजना बनी। सलीम पाकिस्तान में छिपे बैठे लश्कर आतंकी इकबाल काना का साथी है और उसी के जरिए पाकिस्तान से आया आतंकी फंड धमाका करने वाले आरोपियों तक पहुंचा। सलीम और कफील की गिरफ्तारी से पहले इमरान और नासिर को एनआईए ने हैदराबाद से गिरफ्तार किया था। पटना की विशेष एनआईए कोर्ट ने शुक्रवार को इमरान और नासिर को 9 जुलाई तक एनआईए की रिमांड पर भेजा है। एनआईए के द्वारा एफआईआर दर्ज करने के बाद दोनों एक्यूज को हैदराबाद से लाया गया, आज उनको डिस किया गया कोर्ट में। कोर्ट के द्वारा उसको जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया ब्यूरो जेल, और उसके साथ ही एनआईए द्वारा उनको एनआईए के द्वारा आवेदन दाखिल हुआ जिसमें 10 दिनों का रिमांड मांगा गया, लेकिन माननीय न्यायाधीश महोदय ने उसको 7 दिन का रिमांड दिया। 17 जून के दरभंगा ब्लास्ट को लेकर पाकिस्तान के इशारे पर काम करने वाले 4 आरोपियों की धरपकड़ कर ली गई है। एनआईए इनसे और खुलासे होने की उम्मीद लगा रही है। इमरान और नासिर की 7 दिन की कस्टडी हासिल करने के बाद सलीम और कफील को भी पटना की कोर्ट में पेश किया जाएगा। पटना से रोहित कुमार सिंह के साथ अरविंद ओझा, शामली आज तक।